ये दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, डीएनए डैमेज को कम करता है, बढ़ती उम्र के नुकसान और कैंसर से सुरक्षा देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लिवर को डैमेज होने से बचाता है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, पेट के स्वास्थ्य को बेहतर रखता है। ये युवा स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है और उनकी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को ज्यादा स्वस्थ रखता है। ये रहा मेरा नाश्ता। ये एक योगी का नाश्ता है। इसे तैयार करना बड़ा आसान है। बिना गैस जलाए आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा, हल्दी को छोड़कर। हल्दी का घोल बनाने के लिए आपको पानी गर्म करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ भी जलाए बिना ऊर्जा का पूरा सदुपयोग और पोल्यूशन फ्री, मेरी मोटरसाइकिल की तरह, क्योंकि मैं उसे बहुत ही कम कार्बन जलाकर चलाता हूँ। आपके पेट के साथ भी यही बात है, क्योंकि आपके टैंक में जो जाएगा वो तय करेगा कि आप कैसे काम करेंगे। तो इन चेरी टमाटरों के साथ शुरुआत करते हैं। ये छोटे छोटे जैविक रूप से उगाए गए टमाटर जो हमें यहाँ के मेनोनाइट खेतों से मिलते हैं, ये बेहतरीन लोग हैं जो हर चीज बड़े ही प्राकृतिक रूप से उगा रहे हैं। चेरी टमाटर बहुत फायदेमंद है फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए जो बीमारी पैदा करते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन को होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। मेरी त्वचा नहीं, पर वो लोग जिनके स्किन में पर्याप्त पिगमेंटेशन नहीं है, ये उनके लिए एक बड़ा अंतर लाएंगे और साथ ही ये दिल के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। चेरी टमाटर में कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भरपूर होते हैं। अरुगोला स्प्राउट्स, जो कि माइक्रोग्रीन है यानी कि बहुत छोटी पत्तियां, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा होती है, आम पूर्ण विकसित पत्तियों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा। इनमें कैंसर से बचाव करने वाले तत्व होते हैं, आंखों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लिवर को डैमेज से बचाते हैं। खीरा शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाता है। ये हमेशा सबसे अच्छा है कि हम पानी खाएं। ऐसा खाना खाकर जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, न कि बस पानी पिए। खीरा हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें भरपूर विटामिन के होता है, पेट का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, खून में शुगर को मेंटेन करता है और निश्चित ही आपके वजन को भी, क्योंकि ये बस आपको पोषक पानी से भरता है। और इसमें प्रोटीन भी होता है जो कुछ हद तक कैंसर से बचाव कर सकता है। ये निश्चित ही दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, पर तभी जब आपके पास दिल हो। अगर आप मेरी तरह हैं जिसने अपना दिल दे रखा है तब खैर आप तब भी खीरा खा सकते हैं। ये भिगोई हुई मूंगफलियां या ग्राउंड नट्स, असल में ये नट्स नहीं है, ये फलियां हैं। इन्हें दक्षिण भारत में कडलेकाय चेनकाय बोलते हैं, पर अंग्रेज इन्हें नट्स बोलते थे। असल में ये नट्स नहीं है, ये फलियां हैं। और ये भिगो करके छिले हुए कच्चे बादाम, भिगो कर छिले हुए कच्चे अखरोट, इनको रात भर पानी में भिगोया जाता है और फिर छीला जाता है। इससे इनमें मौजूद पोषक तत्वों के विपरीत तत्व और दूसरे जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं, क्योंकि वो सब पानी में घुल जाते हैं। इन विपरीत तत्वों और जहरीले पदार्थों के बिना इन नट्स और बीजों के पोषक तत्व शरीर द्वारा सोखे जाने के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। पोषक तत्वों और हेल्दी फैट से भरपूर ये दिल की बीमारी का खतरा कम करते हैं और ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, खास तौर से अगर आप, मेरा मतलब है अगर आप इसी प्रजाति के हैं तो। ये छोटी छोटी हल्दी और नीम की गोलियां बिल्कुल फ्रेश, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी से भरपूर। यहाँ हल्दी और नीम की गोलियां हैं और हल्दी का काढ़ा भी। ये आपके सिस्टम में से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को हटाने के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है ये सूजन कम करते हैं और ये आपकी आंत को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दूसरा जीवन या ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है और कोई खराब बैक्टीरिया जो वहां हो सकते हैं
उनकी सफाई ये आंत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आज आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस इस पर फिर से लौट कर आ रहा है कि आपके पेट का एक दिमाग होता है, कि आपकी बुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके पेट में काम करता है। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक नट या फल खाया और वो इंसान का हार्ड मास बन गया, इसका मतलब है कि वहां ऐसी बुद्धिमत्ता है जो आपकी तार्किक बुद्धि से परे है। काले तिल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी, फोलिएट और विटामिन ई का एक बहुत अच्छा स्रोत। वैसे मैं चीजों को इस तरह नहीं देखता, पर काले तिल सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे हैं, खासकर जब मैं ट्रैकिंग पर जाता था। जब मैं अकेले ट्रैक करता था तो भुने हुए काले तिल मुझे जीवित रखते हुए चलाते रहते थे और हर समय एनर्जेटिक रखते थे। ये आपके कार्टिलेज और हड्डियों के जोड़ों के लिए अद्भुत होते हैं, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और दक्षिण भारत की परंपरा का एक हिस्सा है कि सर्दियों में, जब दक्षिण भारत में ठंडी और गर्मी एक साथ होती है, तो त्वचा चटकने लगती है, तब हम काले तिल का सेवन करते हैं। खास तौर से कर्नाटक में ये एक पूरी की पूरी परंपरा है कि हर कोई एक दूसरे के परिवार के साथ तिल शेयर करते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए, ताकि आपकी त्वचा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, अंदर और बाहर दोनों। तिल आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। आप में से जिनको आयरन की कमी है, खास तौर से महिलाएं, उनके लिए तिल खाना बहुत ही अच्छा होगा। ये युवा महिलाओं के लिए भी अच्छा है, उनकी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए। ब्लूबेरी या अनार, इनमें से कोई एक, निर्भर करता है कि आप कहां पर हैं। ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले विकल्पों में से एक हैं, जो आप ग्रहण कर सकते हैं। डीएनए डैमेज को कम करता है, उम्र बढ़ने से होने वाले नुकसान और कैंसर से भी सुरक्षित रखता है। भारत में इतने सारे बेरीज हैं, खिले रंग वाले, खास तौर से दक्षिण और पश्चिमी भारत में आपको बहुत से बेरीज मिलेंगे जिनमें इनके जैसे ही गुण होते हैं। अंकुरित फेन्युग्रीक या मेथी, जैसा कि इसे कहा जाता है, ये बीज बेहतरीन खून साफ करने वाले हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। ये स्तनपान कराने वाली माओं के लिए बहुत फायदेमंद है, बाल और नाखून बढ़ाने में सहायक हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, खून में शुगर के स्तर को नीचे लाते हैं, सूजन कम करते हैं। ये अंकुरित मेथी, ये अंकुरित मूंग के साथ, ये दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, उन्हें ये हर रोज जरूर लेना चाहिए। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप इसे खो देंगे। Here are some. ये रहे कुछ ऑलिव्स, ऑलिव्स का अचार। ये एक, यहाँ हमारे आसपास कुछ लेबनन के कई लोग हैं, तो ये लेबनन का फंसाने वाला जाल है, वो मुझे लेबनन वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ मेरे पास कच्चे आम का अचार भी है। भारतीय बने रहने के लिए दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और इनमें कई तरह के गुण होते हैं। दोनों ही दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। कच्चे आम और दिल का स्वास्थ्य आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हर कोई कम से कम दक्षिण भारत में तो ये जानता होगा, शायद पूरे भारत में, कि गांव में जब एक युवा स्त्री कच्चा आम खाती है क्योंकि उसे वो खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो तुरंत हर कोई जान जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो इसे खाने की प्राकृतिक इच्छा होती है, क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन सी से इतना भरपूर है कि शरीर ऐसी चीजों को खाने की एक लालसा पैदा करता है। तो कच्चा आम जाहिर है कि सीजनल होता है, पर इसके जबरदस्त फायदे हैं। और ये भी पक्का करता है कि मैं चाहे जहां ट्रैवल करूं, कच्चे आम का अचार, खासकर इसी सीजन का फ्रेश अचार, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अटलांटा में बहुत सारे लोग, भारतीय मूल के नहीं, लोग कहते हैं, सद्गुरु मैंने अपने घर में आम का पेड़ लगा रखा है, और वो मुझे कच्चे आम लाकर देते हैं। और ये आम के अचार इसका ख्याल रखते हैं कि मुझे कभी घर की याद ना आए।
और ये एक नेटिव अमेरिकी प्रोडक्ट है। ये नकोटा जनजाति से है। मुझे अच्छे से याद नहीं कि नकोटा है कि डकोटा या लकोटा, पर इनमें से कोई एक है। जब मैंने नेटिव अमेरिकी राज्यों की सैर की थी तो मैंने ये लिया था और अब भी मेरे पास है। ये फूल मेरे आसपास के लोगों के प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस सीजन में सारे जंगल में ये बहुत सारे होते हैं, तो ये लोग उन्हें तोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट पावर नाश्ता, रेसिंग फ्यूल। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम खुद को कैसे रखते हैं। अगर हम मजबूती से जीना और विकसित होना चाहते हैं तो हमारे टैंक में क्या जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को बताना मत कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में रेसिंग फ्यूल डालता हूं और अपने अंदर भी।